तैयार। थोड़ा सा लेट हो गए हम, अरे थोड़ा सा बात करने चक्कर में लेट हो जाता है। ये बताइए, लास्ट क्वेश्चन क्या था, क्या आपको याद है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बेस्ट क्वेश्चन करवा रहे थे, है ना? ओके, तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन टाइप था। अच्छा ये बताइए मुझे फटाफट तेजी में, कोई हैं जो फ्राइडे को नहीं आए थे? हाँ, डेली आना कोई जरूरी है। आप फ्राइडे को आए थे लेकिन चले गए थे, है ना, अगले बैच में? हाँ, इस टाइम नहीं, दोपहर में, है ना? हाँ, इसके पहले वाले में शायद, है ना? चलिए देखो, हमको याद रहता है लेकिन, है ना, कोई बात नहीं, शक्ल देखने में लगता है कि हाँ। चलिए सब तैयार है ना? जो नहीं आए थे वो सोच ले हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था, सचमुच। अरे नहीं पढ़ाया था, बात कर रहा था उस दिन। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से प्लीज। मैंने ये सिखाया था आपको पिछले क्लास में कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है ना? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक। हमने सिखाया था कि हमको निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या निकालना है? अभी शुरुआत ही हुआ है, अब तो बेसिक ही चल रहे हैं हम लोग, है ना? तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में यदि आपको ये निकालना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो जो उधर प्लस 2ab है इधर आके माइनस 2ab हो जाएगा, है ना? जो इधर प्लस 2ab है इधर आके माइनस 2ab हो जाएगा। क्या आप मेरे बात समझ रहे हैं ना? जो इधर प्लस 2ab है इधर आके माइनस 2ab हो जाएगा। इधर क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो मैंने आपको पिछले क्लास में यही फार्मूला सिखाया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। समझ में आ रहा है ना? यही होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला, ठीक। इसी पर मैंने बहुत सारी बातें किया, लेकिन हम डरिएगा नहीं, डरना बिल्कुल मना है, क्योंकि हम लोग सीखने के लिए आए हैं, ठीक है ना? और सीखने की प्रक्रिया में डर तो होनी नहीं चाहिए। नहीं आएगा पूछेंगे दोबारा तिवारा, नो प्रॉब्लम, ठीक। 3x, जाग रहे हैं भाई साहब? 3x प्लस 1/2x, ठीक है ना? ये हमें दिया रहेगा और हमें निकालना होगा 9x² प्लस 1/4x², ठीक है ना? ऐसे दिया रहेगा, ठीक। नहीं आने वाले लोग सावधान। देखिए ध्यान से इधर, हमें आपको ये, मैंने यही सिखाया था कि देखो क्या पावर डबल है, यहाँ एक्स है और पूछा क्या है? x². क्या ये पावर डबल है? यस, डबल ही तो है। जब पावर डबल होता है उसका मतलब क्या होता है? पावर डबल का मतलब स्क्वायर, मतलब ये एक पावर से दो पावर कैसे आएगा? तो स्क्वायर करके। हाँ या ना? एक पावर से दो पावर कैसे आएगा? स्क्वायर करके। हाँ या ना? हाँ, तो एक पावर से दो पावर कैसे आता है? इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, ठीक। तो वही मैंने सिखाया था एक पावर वाले को। देखो ये है ना एक पावर, तो एक पावर वाले का स्क्वायर करते हैं और उसमें माइनस 2ab कर देंगे, तो एक पावर से क्या निकल जाएगा? दो पावर आ जाएगा, ठीक है ना? एक पावर से क्या जाता है? दो पावर, ठीक। तो बहुत पुरानी बातें हो गई ना, आप लोग 2 दिन छुट्टी में रह जाते हैं तो पता चलता कि पुरानी बातें दिखता है, अरे क्या हो रहा है ना? तो ध्यान रखें ये इसका पावर का डबल है। 3 3 9 x² 2 2 4 स्क्वायर हो गया ना, x² पावर डबल हो गया, मतलब स्क्वायर हो गया। और स्क्वायर कैसे निकालते हैं? स्क्वायर माइनस 2ab, मालूम? ओके, तो हम लिखेंगे तो आप भी कुछ ना कुछ तो लिखेंगे, तो लिखिए, मजा आएगा। ये हमने 4 लिखा, बताइए क्या लिखेंगे? बोलो जी, 13 क्या आ गया? यहां देखो, यदि हम ऐसे बातें करें डिटेल में, पहले समझो डिटेल में। देखो अभी थोड़ा सा आपको ट्रैक पे लाने में थोड़ा टाइम लगेगा, हल्का सा देखिएगा, ध्यान से आ जाएंगे आप, टेंशन मत लीजिए जो नहीं आए थे। यह है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या है ये? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है ये?
ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ या ना? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। प्लस टू ए बी इधर आके माइनस टू ए बी, क्या ऐसा ही होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां होता प्लस टू ए बी, इधर आके हो जाएगा माइनस टू ए बी। हाँ या ना? क्या बोलते हैं? हाँ या ना? है हाँ बोलना भैया, गलत बात। अब ए प्लस बी का वैल्यू कितना है? फोर। तो यहां लिखेंगे फोर का स्क्वायर। ए प्लस बी का वैल्यू कितना है? फोर। तो यहां लिखेंगे फोर का स्क्वायर। ओ माय गॉड, कुछ जा रहे हैं, भेज दूं? ये भाई लोग कट गए, हम क्या कर सकते हैं? अच्छा नहीं, टुट्टू जी कट गए। पहले जो करवाते थे ना उसमें हमेशा दो ही बचता था। क्या बचता था? क्योंकि ए बी क्या था पहले? सेम था। जब ए बी सेम था, ऊपर नीचे था, कट जाता था, है कि नहीं? सिखाया था ना, बोलो ना। लेकिन अब अलग अलग है तो बचेगा ना, ठीक? तो ये तो आपको बचपन से मालूम है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है, ठीक है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो लिख दो, ए प्लस बी कितने दिया? चार। चार का स्क्वायर माइनस टू ए बी, कट गया तीन। तो 16 में से तीन गया, बच गया क्या? बच गया 13, बच गया आंसर, ठीक? कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन हम लोग मालूम कैसे बनाएंगे? जल्दी में धाए धाए मालूम है कैसे? नहीं जाते हो ऐसे? सबसे पहले फीलिंग करेंगे हमें करना क्या है। स्क्वायर क्या करना भाई साहब? तो कर दो ना स्क्वायर। लेकिन ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो प्लस टू ए बचता हो जाके माइनस हो जाएगा, तो कर दो माइनस टू ए बी। धाए धाए ए भाई टेढ़ा हो गया, धाए 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 धाए। 16 में से तीन गया, बच गया 13। तेरे को समझ में आया क्या? कोई दिक्कत तो नहीं क्या आप सभी? अब बहुत मजा आएगा भाई साहब, शुरुआत हुआ है। हम तो कहें देखते रहिए कितना मजा आता, थोक के भाव में आएगा, ठीक है? देखो 1 किलो 2 किलो बहुत मजा आएगा। हम लिखेंगे और आप बोलेंगे। देखो सब लोग तैयार कर रखा है, पांच है ना, बहुत लोगों ने तैयार कर लिया। तैयार कर लिए भाई साहब? 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या है ये? ए स्क्वायर प्लस क्या है ये? ए स्क्वायर प्लस बोलो ना, क्या है ये? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या आपको तकलीफ है? नो। तो ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे लिखेंगे टूट पड़ेंगे आप, मालूम सीधे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। दाएं दाएं ठीक दे दू। ये रहा 6। पहले से -5 लिख के बैठा था ना। हाँ, मुझे लग रहा था आप दिमाग लगा रहे हो। सब कहा गया? ओके, तो कैसे निकालेंगे? 6 का स्क्वायर -2 ए बी, कटा 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 कटा, 36 -5, बोले तो 30। है किसी को दिक्कत, तकलीफ है तो बताए? किसी को नहीं आ रहा फीलिंग, तगड़ी वाली फीलिंग? ओ माय गॉड, आना ही चाहिए। मिटा दू? कोई है जो नहीं समझा, उठाया हाथ तेजी में। झूठ नहीं बोलना भाई, बहुत पाप लिखेगा, नहीं तो रात को सपने आएंगे बुरे बुरे, है ना? डरावने डरावने सांप आएगा उसमें, है ना? चलो उठाओ जरा हाथ। सब क्या आ गए? यस, सब ईमानदार बैठा है, कोई झूठ नहीं बोलता। सबका आ गया ना पक्का? भाई सब दिखाई दे रहा है तभी, ठीक है ना? नहीं, ओहो, सबको आजकल लू लग रहे हैं ना, कहते हैं कि एकदम कम्बल उड़ के चला करो, थोड़ा सा धूप ना जाए, है ना? यहाँ क्लासरूम में ठंड होता है, बाहर जाता है गर्मी हो जाता है, इसी कारण से दिक्कत होता है ना। और ऊपर से ठंडा पानी आप लोग पीते रहते हैं, बोतल भर के ले जाते हैं, खूब मजे से पी लेते हैं। थोड़ा सा पानी गर्म का निकलता है, ए गर्म पानी पिला रहे हो, है ना? ठंडा करो जल्दी। अरे अभी गर्म पानी ही पीना चाहिए, है ना? और गर्म पानी तो हमेशा पीना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं हमेशा गर्म पानी पीता हूँ सालों भर। गर्म पानी जो है शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है।
अभी नहीं कि नहीं वेट कम होता वो नहीं बात है ना, फायदेमंद होता है, करना चाहिए सबको। जैसे आप सुने विश्व में सबसे ज्यादा कौन सा देश में लोग ज्यादा जिंदा रहते हैं? जापान में। कहाँ रहते हैं? जापान में। जापान जो है, जापान और चाइना वहां, और कुछ भाग नेपाल में भी, वहां जब भी जाएंगे ना तो मतलब किसी होटल में, घर में, कहीं चले जाएं, आपको गर्म पानी ही पीने के मिलेगा। जापान में जाएंगे तो रेस्टोरेंट में जो खाना मिलेगा परोसेगा, तो यहाँ क्या होता है ठंडा पानी बोल देता है ना, वहाँ ठंडा पानी नहीं गर्म पानी का देगा। आप डिमांड करेंगे ठंडा लाओ तो ठंडा लगेगा, अदरवाइज वहाँ रीति है कि गर्म पानी ही पीना है, क्योंकि शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है हमेशा। आप लोग चाहें तो पी सकते हैं, लेकिन हम लोग को आदत लगे ना, ओ ठंडा पानी पिए, ओह मजा आ गया। लेकिन मजा तो आता है, लेकिन सजा अंदर मिलता है ना, नहीं समझा? ठीक है ना, इसलिए नहीं पीना चाहिए। देखा देखो, चलिए भाई साहब, हमेशा गर्म पानी पीजिए, देखिए शरीर आपका स्वस्थ रहेगा हमेशा, और एनर्जी हमेशा मिलेगा शरीर में। तैयार हैं सब लोग? चलिए, थ्री एक्स प्लस वन बाई फोर एक्स, थ्री एक्स प्लस वन बाई फोर एक्स, ठीक है, ऐसे दिया है। फाइंड करना है नाइन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई सिक्सटीन एक्स स्क्वायर। क्या ये वही है? गौर से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, ये वही है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या सबको दिखाई दे रहा है? बोलो बोलो। ओके, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो करना क्या है? आप लोग 1.5 लिख के बैठेंगे, हाँ बैठो बैठो, ठीक है ना। माइनस टू ए भी लिख लिया सब है, अब लिख दूं, ये रहा एट आंसर। कितना आया ए भाई साहब, कितना आ गया? आइए जल्दी जल्दी, कितना आंसर आ गया? 62.8, यही है क्या? देखो, यह है 8 का स्क्वायर माइनस 2ab, बस इतना ही करना होता है, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, समझ में आया सबको? काटो, 2 दुनी 4, ये हो गया 64, और 3/2 62.5, 62.5, ऐसे निकालें, कोई दिक्कत तकलीफ? क्या आप मेरे बात सभी समझ पा रहे हैं? बताइए, समझ पा रहे हैं? ओके, वेरी वेरी गुड, चले, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आप एक और बनाइए, मजा नहीं आया है ना? ओके, अभी बहुत आएगा, देखो हम इतना प्रैक्टिस कराते हैं इसलिए ना, कि आपको एकदम ऐसा लगे ना कि हम बचपन से जानते हैं ये चीज। जिस दिन फीलिंग ऐसा हो जाए, समझो कि आपको आ गया एकदम, ठीक है। क्या आपको लग रहा है इसका स्क्वायर है? क्या लग रहा है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है? क्या सभी को लग रहा है ये? ओके, वेरी गुड, यह है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत तकलीफ? क्या आप समझ पा रहे हैं? ओके, और ठीक है जी, तो लिख देता हूं, ये रहा 7, कितना सबका है? आ गया, बोलो। हाँ बोलिए भाई साहब, 47.,? क्या सबका यही है? 47.4? क्या भाई साहब, आपका कहाँ रह गया? कहाँ है आपका? आप पहले डरिएगा नहीं, ठीक है ना, पहले दिमाग को कूल करें, सोचना कुछ नहीं है, बनाना है एकदम, हाथ बढ़ाना है, लिखते जाना, जो गलती हो सही हो करेंगे। आप सोचेंगे ना, ओह पता नहीं मुझे आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा सोचना ही नहीं है, बस करते जाना, गलती होगा फिर दोबारा बनाएंगे। मैथ मतलब फाइटिंग, मैथ मतलब यस, फाइटिंग करना बहुत जरूरी है भाई साहब। देखिए, क्या बोले पहले तो ये सही, झूठ मत बोलना, ठीक है। क्या आपको लगा कि ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है? ओ वेरी गुड, ये सही लगा आपको। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या सिखाया था? ए प्लस बी का क्यू स्क्वायर। फोर मत करो, एक चीज बोलो, यहाँ एक पावर है, यहाँ दो पावर है, तो ये है ना स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है बताओ? ए प्लस बी का, हाँ तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर। हाँ या ना? वेरी गुड,
और माइनस 2ab क्या होता है? अरे इससे देखता ही है। अरे हम कितना बार घर में जाकर रिवीजन किया था तो छत पर करता का, यहां दौड़ा फट घर में बैठ कर पढ़ा करो। ठीक, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी कितना? 7। डरना नहीं, ठीक है? ए प्लस बी कितना? 7। 7 का स्क्वायर और माइनस 2ab, 2 into a into b, हाँ या ना? 7 का स्क्वायर माइनस 2ab, 7 का स्क्वायर माइनस, यस 49। एक्स कट गया 8/5, 16/85, 1.6 मालूम है? नहीं, फिर से बताता हूँ, 4 × 2 = 8 डिवाइड बाई 49 माइनस 16/85, 1. यही ना होता है? क्या आप सभी समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत? नजर माइनस करना, 47.4। है किसी को दिक्कत? है दिक्कत? है, फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो। सबसे पहले आपको लगना चाहिए क्या इसका स्क्वायर है, लगा? तो ए प्लस बी दिया 7, तो हम क्या लिखें? ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे होता ना? समझ में आ रहा बात? हाँ, पॉइंट लगाए ना। चल रहा 8/5, 8 को 5 से भाग देंगे, लोग कोने में भाग दिखाई देता हूं आज। क्या हुआ, दिक्कत है? देखो साइड में बिंदिया लगा के क्या करते हैं? जीरो लगाते हैं। 5 झका होता है 30, क्या आपको मालूम? 1.6 होता है। ठीक है, ठीक है, तो 1.6। अब माइनस करो 49 में से 1.6 कितना आएगा? 47.4। एनी प्रॉब्लम? नो। चले क्या होता है? 18 होता है। ना ना, दोबारा नहीं बोला। क्या बोले भाई, कस के बोलो जरा। कोई सुने आसपास के लोग कस बोली? नहीं, कंफ्यूजन है जो, बोलो बोलो क्लियर। ये मल्टीप्लाई करेंगे ना, यही बार बार है ना? ठीक है, पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। 7 का स्क्वायर 49 और ये 4 × 2 क्या होता है? 8, और नीचे क्या बच गया? 5। 8 को जब 5 से भाग देंगे ना, तो हम आपको कैलकुलेशन सिखाएंगे ना, तो हम डायरेक्ट ऐसे सिखाएंगे। देखो ये है 16 और नीचे क्या है? 10। 16 का मतलब 1.6, डायरेक्ट ऐसे लिखवाएंगे। नहीं समझा? आ गया ठीक। ये आपको टेबल आता है 16/85 करिए 1.6। ठीक, हम बहुत सिखाएंगे आपको, टेंशन न लें। चलें आगे। ओके, आज गला खराब है, नेटवर्क छोड़ रहा है, पकड़ रहा है ना? ऐसा बना लेंगे सब लोग, क्लास के बाद ये पूछ सकते हैं आप। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना? कंफ्यूजन तो रहना नहीं चाहिए, कंफ्यूजन है तो सीखने का फायदा क्या होगा, है ना भाई? और इतना पैसा देते हैं, है कि नहीं है? और सीखे नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? हम हमेशा कोशिश करते हैं कोई ऐसा ना हो जो मतलब ना सीखे, हर सब सीखे जाए, और हम सिखाते भी हैं। आप टेंशन मत लीजिएगा, इसलिए ज्यादा पैसा लेते हैं, है कि नहीं? यहां देखो, तैयार हैं सब लोग? चलिए, वेरी गुड। थोड़ा सा कुछ कॉमन का सिखाता हूं, कॉमन लेने वाला, ठीक है? तैयार हैं सब लोग? ओके, बहुत मजा आएगा, टेंशन मत लो। लिया था क्या, सिखाया था ऐसा क्वेश्चन?
कॉफिशियंट नहीं मिल रहा है तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं? कॉमन। यहां से कॉमन लो, थ्री कॉमन, थ्री एक्स प्लस वन बाई टू एक्स और बराबर क्या है 12, तो कितना आ गया 4 आ गया। ठीक, क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं? है किसी को दिक्कत? नहीं, ओके। यहां भी कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 5, 9 पचे 1 बाय 4 एक्स स्क्वायर, ऐसे ही ना, और प्लस क्या है 1। जितना मैक्सिमम कॉमन आ सके कॉमन लीजिए, कोई दिक्कत तकलीफ? क्या समझ रहे हैं भाई साहब? कोई दिक्कत बताइएगा तो घबराइएगा मत। समझ रहे हैं ना? हर समझ में? ठीक है, तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या है ये? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या है भाई साहब ये? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या बन गया ये? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना? जब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया तो हम कैसे निकालते हैं, याद है सबको? अभी सिखाया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने के लिए ए प्लस बी कितना है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2ab। क्या लिखेंगे? 2ab। मालूम सबको ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2ab। क्या ऐसे लिखते हैं क्या? सही से बताना, कैसे लिखेंगे? 4 का स्क्वायर माइनस 2ab। क्या लिखेंगे? 4 का स्क्वायर माइनस 2ab। 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, कोई दिक्कत तो नहीं? 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, समझ में आया? ओके, x से x कट गया, 2 से 2 कट गया और प्लस लास्ट में क्या है 1। हमने 5 सिर्फ इतने से कॉमन लिया, 1 से थोड़ी कॉमन लिया, इतने ही से कॉमन लिया। ठीक, अब सुनो भाई साहब सुनो, ये क्या है 16? 16 में से 3 गया 13, 16 में से 3 गया 13, कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रहा है? 13 पचे 65 और 1, तो आंसर क्या है 66। कोई दिक्कत तकलीफ? आप डर तो नहीं रहे ना, उड़ा देंगे ना, कुछ सोच भी नहीं रहे? ठीक है, तो ध्यान रखिए ऐसे कॉमन लेने वाले प्रश्नों में जितना कॉमन आ सके पहले कॉमन लीजिए। ए प्लस बी निकल गया, अब यहां से निकालना हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस धाएं धाएं बना दिए। ठीक, कोई दिक्कत तकलीफ? नो, कोशिश करें ये क्वेश्चन। ठीक, ए बनाते हैं, देखते हैं कितना समझ में आया। समझ में आ रहा भाई साहब? ये आपको याद है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा है तो क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, याद सा होना चाहिए बिल्कुल। चले तैयार है सब लोग? चले एक बनाइए प्लीज, फटाफट दीजिए फास्ट। सिंपल ही देता हूं, सबको फीलिंग हो रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? आजकल बिल्कुल खराब है। 5x यहां से आ जाएगा ना, 5 का 25, 25 के 75। ठीक है, तो लिखा जाए, लिख दे भाई, 30 लिख दिया, डरिएगा नहीं। फास्ट फास्ट, डरना बिल्कुल मना है। कितना? अच्छा, वेरी गुड, देखते हैं क्या था सबका, क्या आंसर है। तेरा भी आ गया? ठीक, आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, भाई साहब आ गया,
अब देखिए, जिनका नहीं है प्लीज अपना हाथ उठाइए। आपका नहीं है, क्या आपको लगा कि हम पांच कॉमन आना चाहिए? ले लीजिए ना कॉमन, तो 5x + 1/2x, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब 30 को 5 से काटो, कितना आ गया? कितना आ गया भाई? 6। कोई दिक्कत तकलीफ? कोई भाई को दिक्कत है बताइए, सबको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं, ओके। यहां भी कॉमन है क्या? यस है कॉमन, 25x² + 1/4x² और प्लस 1, ठीक है ना? तैयार हैं सब लोग? अब यहां देखिए गौर से, क्या ये a² + b² है या नहीं है? ओके, वेरी गुड। तो a² + b² क्या होता है? a + b² - 2ab, हाँ या ना? ये x कट गया, 2 कट गया, 36 में से 5 गया, क्या बचेगा बोलो? 31। कितना? 31 थी यही, 93 प्लस कितना हो गया? क्या सबका ही आंसर था? ओके, तो लास्ट एक और हमको देने की इच्छा है, अंतिम बार। इस बार गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो हमको बोर्ड बुलाना पड़ेगा, ठीक है? ना ना ना, तुमको नहीं बुलाएंगे, है ना? ठीक है, यहां देखा जाए। तैयार हैं सब लोग? ओके भाई साहब, यहां देखिए, यहां देखिए, तैयार? आ गया, ओके आ गया भाई साहब? नहीं अब देंगे तो ना आएगा, लिख दें, डरना मना है, मालूम है हमको? दे दिया भाई साहब, दे दिया, फटाफट उठा। कितना है भाई साहब? कुछ आ रहा है? कितना? ऐसा ला ला ला, कोई दिक्कत नहीं, सब लोग अपना अपना लाए फटाफट। क्या सबका यही है? वेरी गुड, आ गया। भाई साहब सबका आ गया, कोई है जिनका नहीं आया? उठाइए अपना हाथ, ओके। क्या यहां से 3 कॉमन है? 3x + 1/4x, 15। क्या आपने काट दिया? 5 आ गया। यहां से 3 कॉमन लो, 9x² + 1/16x² + 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो कैसे बनाएंगे मालूम? क्या इसका स्क्वायर है? क्या 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 है?
तो इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ में आया? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, और ये लास्ट में क्या है, दो दुनी चार, ये है 25 और 3/2 1.5, 3/2 1.5 है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, जरा माइनस करना 23 पॉइंट, कोई दिक्कत, जरा तीन से गुना करना 20 पॉइंट यही ना, अब प्लस 1 21 पॉइंट, जो भी बात है ले, कोई दिक्कत तकलीफ ओके आप ऐसा बना सकते हैं, हम चले आगे, किसी दिक्कत तो नहीं होगा, सब लोग प्रॉपर समझ रहे हैं ना, चले आगे नेक्स्ट टाइप, मिटा दूं अभी, छाप ही रहा, जल्दी छापो, छापने में से आगे होना चाहिए ना भाई, एग्जाम में कोई दिखाएगा नहीं फिर देखना भाई साहब सुनिए, देखिए ध्यान से सर बात नहीं कीजिएगा, आप ऐसे प्रश्नों को बना दिए कहीं से कोई समस्या नहीं हुआ, अब जरा सा ध्यान दीजिएगा प्लीज, अब ये थोड़ा उल्टा क्वेश्चन होने वाला है, जिससे लगेगा कि ये रात में टाइपिंग किया है, हाँ भाई देखो लग रहा सब सही है लेकिन उल्टा है, गौर से देखना क्या आपको दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है ओके, जब दिखाई दे ही रहा है तो हम क्या करें, देखो आराम से, सब तैयार हैं, अरे एक बात पहले सुनना ध्यान से मेरे बातों को ठीक है, उसके बाद बनाते रहना जो बनाने के मन करे बनाते रहना ठीक, ए भाई सब सुनी सही, रुकी रुकी यहां देखिए, सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि है तो स्क्वायर ही इसका, क्या है तो स्क्वायर ही इसका, देखो इसका स्क्वायर, अरे उल्टा लिख रखा है, दो का स्क्वायर नीचे पगला गया है का, और तीन का स्क्वायर ओहो नीचे तो ऊपर लिख दिया है ना, आपको लगेगा क्वेश्चन जो है गलत छाप दिया है, इसे किसे दिया है, नंबर दिया ऊपर लिखा नीचे है, नीचे दिया तो ऊपर लिख दिया है, पागल हो गया क्या भाई साहब, यहां देखिए पागल नहीं हुआ है, आपको जो है पागल करने के लिए कुछ कोशिश कर रहा है ये, होइएगा मत, देखिए तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं क्या आप तैयार हैं, ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं हम आपको बताना चाहते हैं, क्या आप देखना चाहते हैं, ओके वेरी गुड, सुनिए गौर से सुनिएगा ठीक है भाई सब तैयार है ना सब लोग ठीक है ना, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल बहुत ही सरल बात है ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखिए जो आपको चाहिए जो आपका रिक्वायरमेंट हो जो आपकी इच्छा हो चाहने का वो हमेशा लिखिए, बिना लिखे कुछ नहीं मिलता, कहा जाता है ना भारतीय संविधान कहते लिखित का ही भरोसा करो, मौखिक का नहीं, कब कौन पलट जाए है ना भाई साहब, तो मौखिक का भरोसा नहीं करते ठीक, तो लिखित, अब मेरे बात ध्यान सुना, एक क्वेश्चन सीखने के बाद फिर दम निकल जाएगा इसका, यहां देखो सबसे पहले आप ये देखो कि ऊपर में क्या चाहिए आपको, ऊपर में 3 चाहिए था ना, 3 का स्क्वायर 9 होगा है ना, और नीचे में क्या चाहिए 2 था ना, 2 का स्क्वायर 4 होगा, क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 होगा ठीक है ना ओके तो कहने का मतलब है कि ऊपर में 3 चाहिए नीचे में 2, ध्यान सुनना जो आपको चाहिए लिखना, जो आपको चाहिए लिखना, समझ मारा ना, हमें 3 चाहिए ऊपर में तो हम लिख दें 3 चाहिए ऊपर में,
दो चाहिए नीचे में, तो हम लिखेंगे दो चाहिए नीचे में। समझ में आ रहा है ना? जो हमें रिक्वायरमेंट होगा, जो हमें चाहिए वो लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तीन चाहिए ऊपर में, तो तीन ऊपर में लिखेंगे, दो चाहिए नीचे में, तो दो नीचे में। आप समझ रहे हैं ना? जो भी आपको चाहिए आपको देखना पड़ेगा और उसी के हिसाब से लिखना पड़ेगा। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? ठीक है। आपने क्या देखा? तीन ऊपर चाहिए दो, तो 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी करो उधर भी करो। 3/2 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे या 3/2 से उधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 3/2 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे या 3/2 से उधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत तकलीफ। क्या आप मेरी बात समझ? ये हमेशा जो पहला बात सिखाए समझ में आया, हम देखेंगे हमें क्या चाहिए, ऊपर में 3 नीचे में 2, ऊपर में 3 नीचे में 2, ऐसे देखा तो मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया और आप भी ऐसे करेंगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। ओके, देखो मैं अभी पहले डिटेल में पूरा लिख रहा हूँ, डिटेल में समझना। ये 2x में किससे गुना करेंगे? 3/2 से। और 1/3x में किससे गुना करेंगे? 3/2 से। 3/2 से यहां भी गुना करेंगे और 3/2 से यहां भी गुना करेंगे, ठीक है। 3/2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई, दोनों तरफ हम गुना करेंगे, ठीक है। 3/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। आप मेरे बात समझ रहे ना? 3/2 से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? हाँ, अपने अपने सुविधा का अनुसार देखेंगे। हमको तीन ऊपर चाहिए, दो नीचे चाहिए, तो हम 3/2 से दोनों तरफ गुना कर देंगे, कोई दिक्कत तकलीफ नो। तो गुना करने से देखो, ये नीचे ऊपर 2 कट गया, ऊपर नीचे 3 कट गया, ये हो गया 3x और ये हो गया 1/2x, ये हो गया 3x, ये हो गया 1/2x। क्या आप मेरे बात समझ रहे ना? ये क्या हो गया 3x और ये क्या हो गया 1/2x, तो 3x प्लस 1/2x, 3x प्लस 1/2x कितना हो गया 9। आप समझ रहे हैं ना? 3x प्लस 1/2x कितना हो गया 9। तो अब देखिए ये मामला फिट हो गया ना। देखो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। आप समझ पा रहे हैं? क्या ये सही हो गया? बिल्कुल फिट है ना? फिट है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना? क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर? a प्लस b का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। आप समझ पा रहे हैं या नहीं? यह है 81 माइनस 3 क्या होगा? 28। आंसर 28 हो गया। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा एक्टिव, हल्का सा एक्टिव रहेंगे, समझ में आ जाएगी बात। और डरने का तो सवाल ही उत्पन्न नहीं होता, और नहीं आए यह कभी हो नहीं सकता है भाई। क्या आप सुन पा रहे हैं भाई साहब? नासी तो नहीं कर रहा है कोई? देखो ध्यान से धर। तो पहला स्टेटमेंट समझ में आया कि हम देखेंगे हमको तीन ऊपर चाहिए दो नीचे, तो 3/2 से एक तरफ नहीं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया? उसके बाद जो है ये 2 कट के 3 हो जाएगा, 3 कट के 2 हो जाएगा, 9 बच गया, ठीक। अब डायरेक्ट ए स्क्वायर बी स्क्वायर लगा देंगे, ठीक। एक हम प्रयास करें, जरूर करेंगे, एक काम दो चार करने वाले हैं। चलो मिटा दो इसको, हाँ उतारो जल्दी जल्दी उतारो। अभी तक तो फाइंड लिख रहा है, फास्ट। ए भाई साहब और फास्ट, हाँ तो मिटा ही देंगे, अब नहीं बोलो तो ही मिटा देंगे। यहां देखो प्लीज, क्या रहे हैं सब लोग? बात ऐसा है, आपको बनाना होगा भाई साहब। देखिए डरिएगा नहीं, ठीक है ना? क्या नहीं करना है? डरना मना है। ओह माय गॉड, हमने क्या देखा? 5 ऊपर चाहिए 2 नीचे, 5 ऊपर चाहिए 2 नीचे। क्या आपको ऐसा लगा?
पांच ऊपर चाहिए दो नीचे, कोई दिक्कत तकलीफ? नो, बहुत दुख की बात है ना। क्या आप सभी समझ रहे हैं ना? तो सही करने के लिए हम क्या करेंगे, पांच बाई दो से, ठीक है ना, ये लो चार लिख दिया, धाएं 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 95, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई साहब, 95 लाके आपने कमाल कर दिया, सचमुच वाला कमाल भाई साहब। क्या हो गया, लेके आया है क्या? ला 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 ला, ला। इधर ला, ठीक है, आ जा, आते हैं क्लास के बाद। क्या सबका आंसर आ गया, कोई दिक्कत है? अरे भाई बोलो ना, क्या आपको दिक्कत है? नहीं, ओके। देखना झूठ मत बोलना, यदि ना आए तो अपना हाथ उठाना, इंतजार मत करना ही कोई उठाने वाला है। कोई है क्या? यहां से लेके आधा किलोमीटर दूरी पर जो बैठे हैं सबसे लास्ट में, क्या पूछना चाहते हैं? नहीं, ये तो पास वाला ही पूछ दिया। देखो ए भाई साहब, आपको ऐसा लगा कि उल्टा है? आपको ऐसा लगा ये उल्टा है? हमें पांच ऊपर चाहिए और दो नीचे, ऐसा लगा? पांच ऊपर चाहिए दो, तो आप 5/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना, करेंगे ना? अब सुनो हम लोग कैसे करेंगे। देखो हम मान लिए मन ही मन, दो से दो कट गया, फिर मानेंगे पांच से पांच कट गया, ये लो बच गया। समझ में आया क्या? आपको फीलिंग हो रहा भाई साहब? भाई साहब को हुआ? वो आप ही लाके बैठे हैं, वाह वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब सही हो गया ना, 10 का स्क्वायर -2। ए भाई साहब 95, क्या आप ऐसा बना सकते हैं? हम आपको और एक दे रहे हैं, ठीक है, बनाइए प्लीज, डरिएगा नहीं। डरना क्या है? मना है। हाँ भाई थोक कहो, नहीं दे रहा हूं, एक एक दूंगा, आराम आराम से भाई साहब देखिएगा। भाई साहब ठीक है, वाह हमें यही चाहिए, अब ठीक रहे हैं। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, चालू हो जाइए, ठीक है ना? 3 का 9, 4 का 16, हम लिखेंगे आप बोलेंगे, ठीक है ना? सचमुच बोलू, कितना आ गया? 79.4 के 5, 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
दो से भाग दो, दो नीचे दो ही आएगा ना। क्या आंसर 29.5? यही है 29.5 सबका है क्या? सबने ही लाया? ए भाई साहब, क्या सबने ही लाया? वेरी गुड। बात ऐसा है, हमें 3 ऊपर चाहिए और 4, तो हम 3/4 से क्या करेंगे? 4/4 कट गया, 3/3 भी कट गया, 4/3 12, 3/3 9। क्या आपको तकलीफ है? बोलिए ना। ओह वेरी वेरी गुड, अच्छा लगा मिलकर आपसे कि आपने उड़ा दिया इसको। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 का स्क्वायर 81 -2 AB, यही ना।
नैन कस का मनस टू ए बी, नैन कस का मनस, नैन कस का मनस, सही उत्तर। ये हो गया 81 और 3/2 कितना होता है 1.5, माइनस करो 29.5, ठीक है ना, ओके, वेरी वेरी गुड। आप ऐसा बना सकते हैं, ठीक, वेरी गुड। ऐसा बना लेंगे ना, और दे ऐसा नहीं ना, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, ध्यान सुनेंगे प्लीज, बातें नहीं करेंगे, ठीक है ना, आराम आराम से चले। बात ऐसा है जी, नर्सरी क्लास का बात है, ठीक है, तैयार हो जाइए, लिखा जाए, सब तैयार हैं, तो हम जैसे लिखेंगे आप टूट पड़िएगा, ठीक है, लिखूं, आप तैयार हैं, चलिए, अभी तो इतना इजी है ये कि हम जैसे लिखेंगे तो हम आंसर आ जाएगा आपका, है ना, लिख दूं, बोलो 143 अगेन, 142, भाई साहब ठीक है, जागते रहिए, क्या आंसर है, सही उत्तर 142, क्या सबका आ गया, आ गया नहीं, बहुत दुख की बात है, मामला अटक गया। आइए मैं समझाता हूं, देखो देखो, पहला क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा ही लगता है, लेकिन उसके बाद कैसा लगता है, फूक मार उड़ जाएगा, है ना, वैसे ही मारना पड़ेगा फूक फिर से, देखो प्लीज, अब मेरा फिर से बात ध्यान सुनना, प्लीज ध्यान सुनना, एकदम आपसे विनम्र निवेदन है, ध्यान सुनिएगा प्लीज। यहां देखिए बात ऐसा है, हमें यहां दिख रहा है कि यहां 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, क्या आप समझ रहे हैं ना या नहीं समझ रहे हैं, यहां 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, आप समझ रहे हैं सब लोग, कोई दिक्कत नहीं, यहां 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, हाँ या ना, अरे बोलो ना, यहां 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, कोई दिक्कत नहीं, मेरी बात समझ में आया, लेकिन यहां 3 दिया कहां है, दिया ही नहीं है, मतलब हमको चाहिए 3, है ना, चाहिए कि नहीं भाई साहब, चाहिए, तो जो चाहिए वो लिखना, बिना लिखित कुछ मिलने वाला नहीं है, हमें 3 ऊपर चाहिए, ठीक, लिख दिया। एक छोटी सी बात बताऊं, बताऊं, बात ऐसी है, बोलता हूं भाई रुक जा, बात ऐसी है कि जहां कमी हो वहां लिखते हैं, जहां कोई ज्यादा दे दिया तो हम लोग कुछ बोलते भी नहीं है, बोलते हैं क्या, यदि बचपन में कोई दुकानदार जो है आपको कम पैसा रिटर्न किया, लौटाना था उसको 100 रुपया, लौटाया आपको 50 रुपया, तो ऑब्जेक्शन करते हैं ना, ए भाई 50 रुपया कम दिया और तो 50 रुपया, कहते हो ना भाई, छोड़ते तो नहीं ना हो, 50 रुपया लेते हो, क्योंकि हम गुस्साएंगे तब, डिमांड तब करेंगे जब हमें कम कोई देगा, लेकिन कभी कोई ज्यादा दे दे
तो आप कुछ बोलेंगे, देना 100 रुपया, दे दिया 200 रुपया, अब बोलेंगे दे दो हमें क्या दिक्कत है, है? आप लेंगे चुके, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम देख भाई दे दिया ठीक है ना, हाँ लाओ दे दिया तू, है ना। जैसे कैसे हम लोग कुछ वस्तु परचेस करते हैं, किसी के गए कुछ खरीदने के लिए, मिठाई खरीदने गए तो मिठाई देखते हैं तराजू पे कम दे रहा है भाई, इधर झुक रहा है चलते दो, है ना, तो कुछ देता है तो फिर बराबर करता, और कोई ज्यादा तोल के दे तो मिठाई एक्स्ट्रा दे दे, ओह ला 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 कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना, ऑब्जेक्शन कहाँ होता है, कम पर। ऑब्जेक्शन कहाँ होता है, कम पर, ज्यादा पर नहीं, ठीक है। जब कम होगा तब ऑब्जेक्शन, जहां ज्यादा दे दे वहां कोई ऑब्जेक्शन करता ही नहीं है, करते भाई साहब ये बोल रहे नहीं हम क्यों करेंगे, है ना। सही उत्तर, ए भाई साहब हमें लगा यहां 9 है ना तो यहां 3 होना चाहिए ना, तो हमने हमें चाहिए ना 3, दे दिया, यहां तो पहले से दे रखा है, ये तो ज्यादा 3, देखो 9 पहले दे रखा, जहां ज्यादा दे रखा है उसका चिंता नहीं करते, समझ रहे ना, ये तो ऑलरेडी दे रखा ना, तो चिंता नहीं करिएगा, ठीक है, दे रखा है, और जो चाहिए था 9 का 9 दे रखा है, ज्यादा दे रखा है, जरूरत ही नहीं फिर भी दे रखा है, तो ज्यादा दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको ऑब्जेक्शन नहीं करते। ऑब्जेक्शन कहां करते हैं, जहां कम दिया, यहां पर कम दिया ना, 9 है वहां कुछ दिया ही नहीं, तो 3 चाहिए ना यहां पर, और यहां ज्यादा दे दिया है, ठीक है, तो हम ऑब्जेक्शन कहां करते हैं, जहां पर कम देता है, समझ में आ रहा है ना। ओके, तो गुना करो, इसमें करो 3x, जब इसमें गुना करेंगे तो 3 कट जाएगा, तो 1/3x, ये समझ में आया कि नहीं, ए बोलो ना। और इसमें 3 से गुना करेंगे 1/9x में, तो 1/3 कट जाएगा, तो 1/3x ही बचेगा ना, हाँ या ना। अब देखो ये हो गया 4 3 12, अब देखो मामला फिट है ना, 3 का स्क्वायर 9, अब देखो हो गया ना सही। हमेशा वही लिखना जो चाहिए, जो ज्यादा दे दिया लिखने की जरूरत ही नहीं है। ऑब्जेक्शन कहां करते हैं, जहां कम दिया, समझ में आ रहा भाई साहब, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं आपको, भाई साहब सुनिए ना, समझ में आ रहा ना। ओके, ज्यादा दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, कम दिया तुरंत उंगली उठाएंगे, भाई कम क्यों दिया, है ना, गुना करो 3 से ऊपर, कर दिया कोई दिक्कत। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना, लगाओ 12 का स्क्वायर -2ab, यहाँ ए बी ए बी सेम है ना, तो कट जाएगा ना, तो लिखें क्या, लिखे काटू, ये समझ में आ गया, लिखे काटू, भाई सब कह रहे लिखे काट ही दो, हम भी जा देख ले, 2a लो काट दिए, अब दिखाई दिए आपको तकलीफ है नहीं, 140 - 2 142, समझ में आ गया ना, जब बराबर हो तो कट जाता है, ठीक, 140 - 2 142, एनी प्रॉब्लम है, किसी को प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, है ना, क्या पैसा बना सकते हैं हम आपको एक ऐसा ही देते हैं, और नहीं बनाएंगे तो हम बुला भी लेंगे बोर्ड पर, तुमको ना बुलाएंगे, तुम वहीं बैठा रहो चुपचाप, ए भाई साहब क्या आपको तकलीफ है, ओ माय गॉड ये तो वैसे ही है, कितना से गुनाह करेंगे बताओ ना, कितना से करेंगे बोलो ना, कितना से गुनाह करेंगे, ए भाई बोलो ना, कितना से गुनाह करेंगे बोलो ना, ए तो करो, कर दिया, कितना, 2 2 2 2 2 2, ठीक है, 2 2 3, क्या सबका है, ए भाई साहब आ गया, यहां देखिए, ए भाई साहब सुनिए ना, आपको कुछ समझ में आता है कि हाँ 5 चाहिए, क्या आपको समझ में आता है कि हाँ 5 चाहिए, अरे आना चाहिए, काहे नहीं आता है, 5 से गुना कर दो, ये क्या हो गया 5x, और ये क्या हो गया 1/5x बराबर 15, 5x + 1/5x 15, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। अभी क्या है, ए स्क्वायर है ना,
तो लगाओ 15 का स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे करते हैं ना। 225 में से दो गया, 2 2 3, कोई दिक्कत नहीं। ओके क्या आप उड़ा देंगे, मिटा दूं? ओके वेरी गुड। भाई सब उड़ा देंगे ना, छोड़ेंगे तो नहीं, पक्का नहीं छोड़ेंगे? अरे वो वाला नहीं भाई, ये वाला बना के दिखाओ। भाई साहब जी दे दूं, बस दे रहा हूं एक मिनट। क्या आपको लग रहा है, ओहो इस बार हमको ऊपर नहीं चाहिए, नीचे का वैल्यू चाहिए 4, तो मेरे पास 2 पहले से है, 2 और चाहिए था ना, 4 का स्क्वायर 16 होगा, है ना। अब हम लिखने जा रहे हैं, लिख दूं? ये लो बहुत इजी दे रहा हूं, 20 लिख दिया। सही उत्तर, वाह आ गया। क्या डरना क्या है, मना है, है? क्या है, क्या आंसर आ गया, आ गया? वाह कमाल कर दिए भाई साहब। आ गया, वेरी गुड। अब बताइए सही से, झूठ नहीं बोलेगा, देखिए झूठ बोलेंगे तो दिक्कत होगा। कोई है जो पूछना चाहता है? वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, पूछिए मजा आएगा। देखिए सबसे पहला बात, हम हमेशा कहते हैं सुनते क्यों नहीं है, ये बताइए, क्या बताएंगे आप, ये बताइए कि ऊपर में क्या चाहिए? कुछ नहीं, भगवान की दया से ज्यादा कुछ दे दिया है, चाहिए ही नहीं, ज्यादा दे दे नो ऑब्जेक्शन। कोई ऑब्जेक्शन करता है क्या, ज्यादा दे दे कोई ऑब्जेक्शन करता है क्या, नहीं, ऑब्जेक्शन कहाँ है, जब कम दिया तब, है ना, ज्यादा दे तो नो ऑब्जेक्शन है, ज्यादा दे दिया ठीक। ओ माय गॉड, यहां 16 लिखा है तो हमको यहां 4 चाहिए, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर, क्या आप समझ रहे हैं ना, 4 का स्क्वायर 16 ठीक, आप समझ रहे हैं भाई, इसका मतलब नीचे में 2 चाहिए, ऊपर में नहीं चाहिए, नीचे में 2 चाहिए, समझ रहे हैं ना, नीचे में क्या चाहिए, 2 चाहिए, नीचे में क्या चाहिए, 2, तो 1/2 से दोनों तरफ गुना करेंगे ठीक। हमें इस बार नोमरेटर में ऊपर में नहीं चाहिए, नीचे में वैल्यू चाहिए ठीक, इसीलिए हम 2 से भाग कर दिए, समझ में आया, है किसी को दिक्कत? जब इसमें गुना करेंगे 2 2 जी कट जाएंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 10 10 हो जाएगा, हाँ या ना, बोलो बोलो हाँ या ना, अरे भैया बोलो ना हाँ। ओके यह ए स्क्वायर, यह बी स्क्वायर, दिखाई दिया क्या है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कैसे निकालेंगे, 10 का स्क्वायर माइनस 2ab, समझ रहे हैं ना, 10 का स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स एक्स कट गया, 2 2 4 कट गया, ये क्या है 100, और 1/2 कितना होता है 0.5, कितना आ गया, क्या आपको समझ में आया, सबको समझ में आ रहा ना, कि हमेशा जो रिक्वायरमेंट हो, जो चाहिए वो लिखो, और बिना लिखे कुछ मिलने वाला, वाह इनको ही पता ये बात,
वेरी गुड, मिटा दूं? आपकी अनुमति है? ओके, मैं सब थोड़ा सा धीरे लिखते ना इसीलिए। ए भाई साहब सुनिएगा, इस बार आराम से बनाइएगा, ठीक है? कान खोल के कैसे? हाँ भाई साहब, कान खोल के देखिएगा। भाई साहब जी, क्या आप तैयार हैं जी? भाई साहब दे दूं, एक मिनट दे दे भाई, ये लो दे दिया। धाय धाय, डरना नहीं, एकदम नहीं डरना, ठीक है? निडर होके सामना करना। बकवास प्रश्नों को आराम से उड़ाएं, उड़ाई उड़ाई। अच्छा क्या आया? आ गया भाई, वेरी गुड। यहां देखिए भाई साहब, ध्यान किधर है? यहां देखिए, पहले टू कॉमन लेंगे। कितना कॉमन लेंगे? टू। जैसे आपको लग रहा होगा है तो स्क्वायर, लेकिन कॉफिशियंट मैच नहीं किया। तो मैंने क्या सिखाया था, जब कॉफिशियंट मैच ना करे तो कौन सा टाइप के क्वेश्चन होते हैं? कॉमन लेने वाले। कौन सा होते हैं? कॉमन लेने वाले, ठीक है ना? तो ले लो ना, मना किसने किया? 2x प्लस 1 बाई 3x, हाँ या ना? बराबर 8। काटना जरा, कितना हो गया? 4। कोई दिक्कत है किसी को? तकलीफ है? यहां से 5 कॉमन आया, 9 × 5 = 45, 1/4x². और ये क्या है? प्लस 1। ए भाई सुनिए ना, भाई साहब कहाँ है? सुनिए सुनिए सुनिए, अच्छी बताइए। अरे ये तो उल्टा है, 3 ऊपर चाहिए, 2 नीचे। क्या आपको दिखाई दिया? एक तो कॉमन ले लिया पहले, एक लफड़ा इधर निपटाया, अभी लग रहा है फिर रात में टाइपिंग किया इसको भी, है ना? उल्टा टाइपिंग है ना? तो इसको सीधा करेंगे। कैसे करें बताओ? क्या चाहिए ऊपर में बताइए, और नीचे में क्या चाहिए? तो बस 3/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, है ना? क्या करिएगा? 3/2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, ठीक? यहां 2 कट गया तो क्या होगा? 3। और यहां 3 कट गया तो क्या हो गया? 2। ए भाई 2 कट गया तो क्या होगा? 3। और इसमें 3 कट गया तो 2x, 3 दुनी 3x प्लस 1/2x बराबर 6। ये सबको समझ में आया? आया समझ में? हाँ या ना बोलो ना। आ गया। अब ये देखो, ये है a स्क्वायर, है ना? ये है बी स्क्वायर, दिखाई दिया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। समझते हो? 36 में से 3 गया, कितना बच गया? 33 ना, गुना करो, 160 प्लस 1 166। ए भाई साहब बनाइए, अपने हाथों से जब तक नहीं बनाएंगे मजा कहां से आएगा। एक बनाइए,
मिटा दूं इसको, क्या इसे मिटा दूं? तो कहा कल तक छोड़ दे रहे हैं, अरे मिटाने दो आराम से भाई साहब। तैयार हैं सब लोग? यहां देखिए, ए भाई साहब यहां देखिए, तैयार हैं सचमुच? ओके तैयार। सबको दिखाई दे रहा है? आप इतना समझदार बन जाइए कि कहे भाई गवर्नमेंट के, हाँ एकदम समझदार बच्चा है, सिलेक्शन तो होना ही चाहिए, है ना? एकदम हर क्वेश्चन फिलिंग किया है बच्चा, है ना? आया बोलो ना, आया बोलो बोलो, आया नहीं आएगा? आएगा। ओह सब कुछ उल्टा है, ऊपर से कॉमन भी लेना है, उल्टा को सीधा भी करना है, इतना काम चिंता का विषय है ना? दे दूं? लो दे दिया। भाई साहब धाए धाए कैसे उड़ाएंगे? धाए धाए कैसे उड़ेगा? धाए धाए कैसे उड़ेगा? धाए धाए अच्छा, ए भाई कहाँ गया? 1101 यही है? बोली मत लगा भाई, 1100 1200 है, 1100 1100 है। अच्छा देखते हैं, आया भाई कुछ? भाई सब आया सबका, सबको भगवान भला करे, है ना? कोई पूछना चाहते हैं? कौन है आप? हैं? ठीक है ठीक है। सबसे पहले आपको लगा 3 कॉमन लेना चाहिए, ले लिया? 3 2 6 यही ना? 3 से भाग दो कितना हो गया? 6। हाँ या ना? अरे सुन लिया, पहले 3 कॉमन ले लिया, और यहां से क्या कॉमन है? 5 कॉमन ले लो। यहां देखो ना, ध्यान दो ना इधर, क्या आपको लगा? अरे तो रात में टाइपिंग किया है, 5 ऊपर और 2। यही तो अपने पास सुविधाएं हैं कि भाई हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, ऊपर में क्या चाहिए नीचे में क्या चाहिए, ठीक है ना? ये 2 कट गया, 5 बच गया, 5 कट गया, 2 बच गया, कट कुट के क्या बच गया? क्या आपको दिखाई दिया? यह है ए स्क्वायर प्लस कैसे लगाएंगे? 15 का स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ या ना? काटना 200 माइनस क्या होता है? 200। ए भाई साहब कितना हो गया? 1100 प्लस 1101। हाँ या ना? कोई दिक्कत? तकलीफ बहुत है क्या आज के लिए?
जाओ आप थोड़ा कैलकुलेशन भी हम नहीं करवाएंगे, नॉक कर दीजिए, मना कर दीजिए उनको कैलकुलेशन के लिए, ठीक है ना, कल करवाऊंगा, ठीक है, आज थोड़ा गला खराब है, ठीक है, जाओ आराम करो।